अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आसमान छूती महंगाई से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है, वहीं रेपो दर में इजाफा और गेहूं और अन्य खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही तक महंगाई की मार पड़ती रहेगी। इस दौरान न सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे बल्कि पहले से ज्यादा ईएमआई भी भरनी होगी। हालांकि महंगाई से आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार और आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं। वहीं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक सोमवार से शुरू हो गई है। वहीं ये बुधवार को इसके जो फैसले हैं वो सामने आएंगे, जिसमें रेपो दर में फिर 0.35 से 0.40% बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो विभिन्न प्रकार के कर्ज महंगे हो जाएंगे, इसका असर लोगों की मासिक किस्त यानी ईएमआई पर पड़ेगा, उन्हें पहले से ज्यादा ईएमआई भी भरनी होगी। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि खुदरा महंगाई के अप्रैल में 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने और थोक महंगाई के 13 महीनों में दृढ़ अंकों में बने रहने से आरबीआई के पास ब्याज दर बढ़ाने के सीमित विकल्प बचे हैं। वहीं बढ़ती महंगाई के दौर में एमपीसी इस बैठक में 0.35 से 0.50% की जो फीसदी वृद्धि कर सकती है। वहीं पेट्रोलियम और कॉमोडिटी की कीमतों को देखते हुए रेपो दर में कुल 1 से 1.5% तक की वृद्धि का अनुमान है। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए कच्चे तेल के दाम में $6.50 की ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। इसके बाद वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 0.3% बढ़कर $102.04 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। वहीं अमेरिकी बेंचमार्क WTI क्रूड 0.3% बढ़कर $119.27 प्रति बैरल के 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। दरअसल सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए कच्चे तेल के जुलाई के भाव में $6.50 की बढ़ोतरी की है। इससे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें मई के बाद शीर्ष पर पहुंच गई हैं। वहीं कीमतों में वृद्धि का असर घरेलू बाजार में दिखेगा, क्योंकि भारत में 35 से ज़्यादा प्रतिशत कच्चा तेल सऊदी अरब से खरीदता है। वहीं ओपेक देशों ने जुलाई और अगस्त के लिए प्रतिदिन 6.48 लाख बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति जताई है। फिलहाल कीमतों पर इसका असर होता नहीं दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी का कहना है कि भारत के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन में उत्पादन से वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ गई हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAQ का मूल्य सूचकांक मई 2022 में औसतम 157.4 अंक रहा, जो पिछले साल मई में 22.8% अधिक है। वही बता दें, वैश्विक कीमतों में वृद्धि का असर घरेलू बाजार में भी दिखेगा। इससे न सिर्फ आटा महंगा होगा बल्कि इससे बनने वाले उत्पादों के दाम भी बढ़ेंगे। तो आज की बड़ी अहम खबरों में बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स TV के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।